आज के वीडियो में आप बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नाइट डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो देखिए मैंने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिया और देखिए हमारा ये ब्लाउज पूरा देखिए वर्क हो रखा है, इस तरह से फ्लावर बने हुए पूरे में और इसमें हम डिजाइन डालेंगे। तो ब्लाउज हम साइड में रख लेते हैं और हम लाइनिंग पे कट करेंगे डिजाइन। और ये देखिए हम 40 साइज का बना रहे हैं ब्लाउज, शोल्डर में 6 इंच लिए, मुड्डी में 6 इंच लिए। देखिए शोल्डर से 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं हम और देखिए इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 11 इंच लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिया है, अब इसमें हम मटका शेप देंगे। देखिए इस तरह से मैंने शेप दे दिया और देखिए नीचे से हमने थोड़ा सा वी शेप लिया है इस तरह से। तो देखिए 2 इंच पे ले लेते हैं यहाँ पे और देखिए इसमें हम गोलाई देंगे ऊपर से। देखिए इस तरह से अब जो हम कटिंग करेंगे वो यहां से हम इस तरह से कटिंग करेंगे, नीचे से कटिंग नहीं करेंगे हम। देखिए इस तरह से, देखिए नीचे मैंने ब्लाउज सीधा रखा है और ऊपर उसके ऊपर लाइनिंग रखा है और पूरा नेक हमने देखिए पिन से सेट कर लिया है। अब पूरा ऊपर सिलाई करेंगे और नीचे भी स्ट्रेट सिलाई करेंगे। देखिए हमने पूरे नेक पे सिलाई कर दी और नीचे भी स्ट्रेट सिलाई कर दी। अब पूरा नेक हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया, इसे पलटेंगे साइड से। देखिए इस तरह से अब इसके ऊपर सिलाई करेंगे नेक के ऊपर हम। देखिए हमने ऊपर नेक भी सिलाई कर दी और नीचे भी सिलाई कर दी हमने स्ट्रेट। देखिए हमने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टियां कट करी हैं इस तरह से, इसके हम इस तरह से पट्टियां तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारी पट्टियां तैयार कर ली, अब हम 1.5 इंच पे पट्टियां कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारी पट्टियां कट कर ली हैं। देखिए हमने ये पट्टियां कट कर ली हैं, मैं आपको इसकी लंबाई थोड़ी बता देती हूँ।
देखिए इसकी जो लंबाई ली हमने 3 इंच ली है, इसकी चौड़ाई भी 3 इंच है, और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से, और देखिए हमने सेम कलर का धागा डाला है सुई के अंदर, और इस ट्रायंगल को हम इस तरह से इसी तरह मैं सारे फ्लावर बना लेती हूँ। देखिए सर मैंने 5 फ्लावर बना लिए, देखिए इस तरह से, और हमने पट्टियां कट कर ली। अब इन सबको हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो देखिए जो हमने वाली पट्टियां कट की थी इन हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए ऊपर से हम 3 इंच छोड़ के फिर तो यहां से हम इस तरह से लूप लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने राउंड शेप दी थी यहाँ पे हम ये फ्लावर लगाएंगे जो हमने ये फ्लावर बनाए थे। तो देखिए इस तरह से मैंने देखिए लुप भी लगा दी और देखिए हमने फ्लावर भी लगा दी। हमारे 4 फ्लावर आए, एक हमारा एक्स्ट्रा है, देखिए इस तरह से इसे हम अलग रख देंगे। तो इस तरह से हमारे 4 ही फ्लावर आए यहाँ पे, और इस साइड भी हमने लुप लगा दी, ऊपर से हमने 3 इंच का गैप दिया है दोनों में। तो देखिए हमने एक गोल्डन कलर की लेस ली है, पहले हम यहाँ पे राउंड शेप में लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप में लेस लगा थी, अब हम ऊपर से लेस लेते हुए आएंगे। और देखिए हमने जो लाइनिंग में वी शेप दिया था हमने यहाँ पे वी शेप दे दी इस तरह से, और इस तरह से लेस लगाएंगे पूरे में। देखिए इस तरह से मैंने लेस लगा दी है नीचे तक, देखिए वी शेप में देते हुए इस तरह से, और देखिए हमने डबल सिलाई भी कर दी है। अब जो हमने लुक बना यहाँ पे हम डोरी डालेंगे रेडीमेड। तो देखिए हमने ये गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी ली है, आप कपड़े की बना सकते हैं। तो देखिए हमें सुई की मदद से इसमें डोरी डालेंगे हम पूरे में। देखिए इस तरह से हमने एक साइड डाल दिया, और जो हमारे ये इसको हम यहाँ पे सिलाई से दबा देंगे। सेम इस तरह यहाँ पे भी डाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने डोरी डाल दी और मैं कट भी कर दी थी बीच में से, और यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई कर देंगे दोनों साइड। देखिए हमने दोनों साइड अटैच कर दी थी डोरी दोनों साइड हमने इस तरह से, और देखिए ऊपर भी हमने कट कर लिया डोरी। देखिए इस तरह से हमने टशिंग भी लगा ली दोनों इस तरह से, और हम गांठ लगा देंगे डोरी में। देखिए इस तरह से मैंने पूरे में लेस लगा दी नीचे वी शेप देते हुए, देखिए इस तरह से, और यहाँ पे भी राउंड शेप में भी हमें लेस लगा दी, और देखिए हमें इस तरह से फ्लावर भी बना दिए, यहाँ पे टशन भी लगा दिए, डोरी लगाते हुए देखिए लुक में हमें डोरी भी डाल दी।
तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा पूरा बैक साइड का ब्लाउज तैयार हो गया है। तो आप इस तरह से ही सुंदर सा डिजाइन बना सकते हैं अपने बैक साइड के ब्लाउज में। सुंदर डिजाइन है ये पार्टी वेयर के लिए, तो आप ये इस आसान तरीके से सुंदर सा डिजाइन बना सकते हैं ब्लाउज के लिए। अगर आप सभी को ये डिजाइन अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये डिजाइन कैसी लगी।